अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर 27 इयर्स वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया में अपना मैच जीता। 27 साल बहुत होते हैं, लॉन्ग टाइम। बट ये है कि पाकिस्तान को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह आउट क्लास होके आ गए, ठीक है। वहाँ से कुछ टैलेंट निकला, आपने कई जगह अच्छी बॉलिंग की, जैसा कि मैंने अपने वीडियोज़ में कहा भी था कि पाकिस्तान ने यहाँ बेहतर परफॉर्म किया, यहाँ मिस्टेक्स की। लेकिन वेस्ट इंडीज़ वो अंडररेटेड टीम जो कि वर्ल्ड कप में नहीं थी और वो ऑस्ट्रेलिया गई, और मतलब बिल्कुल एक तरह से नई टीम है, सारे पुराने प्लेयर्स तो चले गए और वो नई टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरा के आ रही है। लेकिन ये कह देना कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड जो है वो हल्का रखा था, तो ये गलत बात है। वही जॉश हेजलवुड जो हमारे खिलाफ खेला, वही पैट कमिंस, वही मिचेल स्टार्क, वही स्टीव स्मिथ, वही मार्नस लबिशेन, क्रिस ग्रीन बस एक नया एडिशन था उनके पास, और एक दो प्लेयर्स और, वरना तकरीबन वही टीम थी जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली। और ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा बड़े लड़के थे ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है, क्योंकि आपकी टीम पाकिस्तान का एक लेवल है। और ये नहीं है कि अगर वो बी टीम खिलाएगी तभी हम उनसे जीत सकते हैं, भाई हम ए टीम से भी जीत सकते हैं। और वेस्ट इंडीज़ उनकी ए टीम से ही खेली है। स्टीव स्मिथ, मार्नस लबिशेन, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लाइन, ये सारे प्लेयर्स खेले हैं और ये सब पाकिस्तान के वाले टेस्ट में भी शामिल थे, और वेस्ट इंडीज़ ने इनको हराया है। 216 रन का टारगेट था और उसके बाद 207 रन पे आउट कर देना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वेस्ट इंडीज़ के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम, उनके लिए बहुत बड़ा एक प्राउड मोमेंट है। क्योंकि जहाँ से वो उठे, वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना, उसके बाद फिर इतना सारा क्रिटिसिज्म हुआ उन पर, फिर वो कुछ सीरीज़ भी हारे, उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को आउट क्लास किया वनडे और T20 में, इंग्लैंड को हराया सीरीज़ में। उसके बाद फिर अब ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ जाके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहली दफ़ा हरा दिया, 27 साल के बाद हरा दिया, तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उनके क्राउड के लिए, उनके पूरे आवाम के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करी। और अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने क्वालिफाई किया सुपर 8 के लिए, और आने वाली T20 वर्ल्ड कप में मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और वेस्ट इंडीज़ एक की टीम होगी जो कि हो सकता है सेमीफाइनल्स में भी आ सकती है। ये कहना भी बहुत अर्ली होगा, लेकिन एक प्रेडिक्शन के तौर पर, एक जिस तरह से वो खेलते हुए आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो उस हिसाब से नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए एक और न्यूज़ अपडेट जो कि बाबर आजम से रिलेटेड है, बाबर आजम ने 60 रन किए 42 बॉल्स पे, लेकिन उसके बाद उनका एक फड्डा हुआ और वो बांग्लादेश के खिलाड़ी से, वो बांग्लादेश के आई थिंक वो विकेट कीपर थे, वो बांग्लादेश के ही थे। तो खैर, अब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी गहराइयों में तो मैं, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट तो हो गया, बाद में हो सकता है सॉरी वॉरी भी किया हो, लेकिन आप जब कुछ बाबर के हेटर्स जो है ना, वो उस पर भी एक मुहिम लेके आ जाएंगे कि बाबर आजम ने गलत किया, बाबर आजम ने लड़ाई शुरू की होगी, और बाबर आजम ऐसा, बाबर आजम ऐसा। तो भाई, लड़ाई जिसने भी शुरू की हो, हीट ऑफ द मोमेंट होता ही है, चाहे वो सामने वाले की तरफ से हो, चाहे वो आपकी तरफ से हो। अगर बाबर से भी कुछ हो गया, गलती से मुँह से निकल गया, तो ठीक है, मैच में होता है, एक प्लेयर जब फर्स्ट्रेट होता है, जब उसकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो ऐसा होता है, और हो सकता है ऐसा हुआ हो, क्योंकि बाबर आजम फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे थे उस वक्त थोड़ा सा। और ये है कि विकेट कीपर ने भी कोई ना कोई हरकत की होगी, क्योंकि विकेट कीपर्स अक्सर, बहुत सारे विकेट कीपर हैं जितने भी, वो शरारतें करते रहते हैं, और मोमेंट कोई ऐसा, हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा होगा कि वहाँ पे बाबर आजम की टीम जो है वो एक ऐसे प्रेशर में होगी, जहाँ पे जो है वो उनको वो स्लेजिंग पसंद नहीं आई होगी, या कोई ऐसा मसला होगा, तो उन्होंने एक दो अल्फाज कह दिए होंगे जिस पर सामने वाला भी भड़क गया होगा। तो ऐसा होता रहता है, अब इस पर एक मुहिम बना देना, ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि ऐसा मुझे पता है कि ऐसा ये मुहिम बन सकती है और बन भी जाएगी, क्योंकि बाबर आजम के हेटर्स ना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। हम प्लेयर्स की कदर नहीं करते, बाबर आजम वो खिलाड़ी है जो कि पाकिस्तान को ऐसा खिलाड़ी फर्स्ट टाइम मिला है जो कि इस तरह की क्लास से खेलता है, जिसकी दुनिया में बात की जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर भी कोई सीरीज हो रही हो, बाबर आजम की बात होती है, चाहे वो कमेंटेटर्स करें या चाहे वो प्लेयर्स करें। तो एक उसने एक लेवल बना के रखा है उसने, और हमें कदर नहीं है। हम जहाँ पे सपोर्ट करना होता है, जब उसका बैड टाइम चला वहाँ सपोर्ट करना होता है, वहाँ सपोर्ट नहीं करते, वहाँ हम उसको और गालियाँ देते हैं। जहाँ पे वो उरूज पे होता है, तो वहाँ पे हम उसको इतना चढ़ा देते हैं कि फिर बहुत लंबी कहानी हो जाती है। और वहाँ पे भी कुछ ऐसे हेटर्स होते हैं जो कि पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें निकाल रहे होते हैं। हाँ ठीक है, गलतियाँ निकालनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अगर उसने अच्छे स्ट्राइक रेट से मेंटेन किया तो आप ये बोलो कि नहीं, अगर उसने 300 के स्ट्राइक रेट से खेला तो आप बोलो 360 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए। क्यों खेलना चाहिए था भाई, जो रिक्वायरमेंट थी वो उसने पूरी कर दी,
हाँ, जहाँ गलतियाँ हों वो अलग चीज़ है, वहाँ पे बस आपको ये कि आपको ऊपर नहीं चढ़ाना, आसमानों पे नहीं लेके जाना, ये चीज़ दिमाग में बैठानी है। क्योंकि अगर हम यही करते रहे तो हमारे जो भी अंडर 19 के प्लेयर्स जो इमर्जिंग स्टार्स हैं, वो बादशाह हो गए, साद बेग हो गए, ज़ीशान हो गए, फिर आपके शाहजेब खान हो गए, अगर ये भी पाकिस्तान टीम आएंगे तो हमारी आवाम इनको भी चढ़ा देगी, और फिर इनके पास भी एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर ये डाउनफॉल पर जाएंगे, फिर इनको भी गालियाँ पड़ेंगी। तो हम अभी से अगर माइंड बनाना है कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें बुरे टाइम में सपोर्ट करना है और अच्छे टाइम में उनको उनको ऐसा सपोर्ट देना है कि वो अपनी गलतियों से भी सीखें, और उनको ये रियलाइज़ हो कि हम कोई बहुत बड़े स्टार नहीं बन गए। ठीक है, आप स्टार हो बन गए, लेकिन आप उनको ये रियलाइज़ ना कराएं कि आप बहुत बड़ी चीज़ हो पाकिस्तान के अंदर, तो फिर ये सब तो होता है। तो खैर, यही थी मेरी आज की वीडियो, और वेस्ट इंडीज़ को एक दफ़ा फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कि भाई उनकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पाकिस्तान को थोड़ा सा सीखना चाहिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम से सीखना चाहिए कि किस तरह से वो अपने आप को लेके चले और किस तरह से उन्होंने कमबैक किया है। तो पाकिस्तान के पास भी चांस है, जिस तरह से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है पाकिस्तान टीम में, तो वो भी कमबैक कर सकती है, और ऐसी टीम है जो कि कमबैक करती है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली क्रिकेट की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।